सच बोलने वाली बहू। देखो ममता, मैं आज ऑफिस जाने के मूड में नहीं हूँ। किसी का फोन आया ऑफिस से तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, किसी जरूरी काम से गांव गया हूँ। ठीक है, मैं चला सुने, बाकी मैं संभाल लूंगा। ममता बेचारी, जैसा नाम वैसा ही नेचर। ना कभी झूठ बोला, ना फरेब, ना किसी से चालाकी की, ना किसी की पंचायत। सुन लेती है पति की बात और फिर कुछ देर बाद फोन आता है। हेलो, कौन? मैं सुनील का बॉस बोल रहा हूँ। दफ्तर में इतना काम पड़ा है, अभी तक ऑफिस नहीं आया। वो क्या कर रहा है? फोन दीजिए उसे। जी, वो तो सो रहे हैं। कह रहे हैं कि आज गर्मी बहुत है तो घर के मजे लेंगे। बॉस को बीवी की बात पर गुस्सा आ जाता है। तो उसे बोल दीजिएगा कि अब घर में गर्मी के ही मजे ले, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। ये बोलकर बॉस फोन रख देता है। ममता सारी बात सुनील को बता देती है। न जाने किस बेवकूफ से पाला पड़ा है, समझ नहीं आता तुम्हारे कारण मेरी नौकरी चली गई। अरे झूठ बोलने में क्या जा रहा था तुम्हारा? ममता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी खता क्या थी। अरे जो है वही तो बोला। फिर एक रोज, बहू, अरे आ बहू, कहाँ है तेरा पति? इस महीने घर के खर्चे के पैसे भी नहीं भेजे। क्यों, माँ बाप की फिक्र खत्म हो गई है क्या उसे? बाय लागू माँ जी, वो ये बोल रहे थे कि माँ को क्या है, घर का राशन, खेत का पैसा, मवेशी का दूध, फिर भी न जाने क्यों मेरे सर पर भार देकर बैठी है। तभी सुनील ममता के मुंह पर हाथ रख देता है। क्या रे कलमू है, हटा बहू के मुंह से हाथ। अरे क्या क्या बोलता है तू, वो तो इसकी झूठ बोलने की आदत नहीं है इसलिए पता चल रहा है। देख मेरी सास कितनी शरीफ है। हा? तेरी माँ तो मोहल्ले की बदमाश है ना, और तेरी सास शरीफ है। बेटा ममता को देखता है और गुस्से से बोलता है, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, और भी कुछ कहना है क्या? माँ आई है ना, जाकर छाछ ले आ ठंडी वाली। ममता अंदर चली जाती है। माँ, इसके सच बोलने की आदत के कारण मेरी नौकरी जाते जाते रह गई। वो तो मैंने अगले दिन जाकर पैर पकड़ लिए मालिक के। नहीं तो सब जानता है बहू की आदत नहीं है झूठ बोलने की, तो तू शांत क्यों नहीं रहता, क्यों उसे झूठ बोलने को बोलता है? फिर एक रोज, बहू जा अपनी पड़ोसन के पास और उससे बोल कि वो लाल वाली साड़ी जो उसने नए साल की पार्टी में पहनी थी, तुझे वो चाहिए। ना माँ जी, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी कल जिस शादी में जाना है ना, वहाँ के लिए तो मेरे पास काली साड़ी है। सास सर पर हाथ रखकर, अरे बुद्धू मुझे चाहिए साड़ी। वैसे भी तुम लोगों में तो साड़ी का लेन देन चलता है ना, तेरी भी तो उसने पहनी थी ना। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, हम दोनों के कपड़े एक दूसरे को आ जाते हैं। मैं ले आती हूँ आपके लिए साड़ी। बहू पड़ोसन के पास जाती है। कैसी हो निर्मला, तेरी लाल साड़ी चाहिए थी। क्यों, तू तो बोल रही थी कि तेरे पास काली वाली साड़ी है, तू वही पहनेगी, फिर लाल का क्या करेगी? अरे मैं तो काली ही पहनूंगी, लेकिन मेरी सास ने देखी थी तेरी लाल साड़ी, वो नए साल की पार्टी में तूने पहनी थी ना, तो इसलिए वो मांग रही है। ये सुनकर पड़ोसन थोड़ा परेशान हो जाती है। देख ममता, तेरे लिए तो मैं एक बार को साड़ी दे भी देती, लेकिन तेरी सास के लिए नहीं। वो क्या है ना, तू तो जानती है कितनी गंदी आदत है तेरी सास की, खाया पिया सब कपड़े पर ही पोंछ देती है। मेरी लाल साड़ी बहुत महंगी वाली है, पता चले उस पर हल्दी तेल का निशान लगा हो। ममता घर आ जाती है खाली हाथ। ममता को देखकर, नहीं दीना उसका लूटी ने साड़ी, अब आए तुझसे लेने तेरा सामान, अच्छे से बताती हूँ। माँ जी वो क्या है ना, मुझे तो वो दे रही थी लेकिन आपके नाम पर नहीं दी। अरे किसने बोला था मेरा नाम लेने को, बोल देती तुझे पहनना है, लेकिन ना तू तो ठहरी सच की देवी। न जाने सास क्या सोचती है और हंसने लगती है। अरे माँ क्या हो गया, क्या सोच कर हंस रही है? याद है जब बहू को देखने गए थे? हाँ बस सही बात है। याद आ गया कैसे मेरी सास बाजार के खाने को बोल रही थी कि ममता ने बनाया है। और बहू ने आकर सब बता दिया कि ये सारा खाना तो बाजार से आया है, वो भी कल्लू हलवाई की दुकान से। ममता दोनों की बात सुन रही थी। हाँ माँ जी, वो कल्लू हलवाई का ही था, मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि माँ ने क्यों कहा कि मैंने बनाया है।
खैर मैं तैयार होती हूँ, शादी में जाना है ना। पूरा परिवार शादी में जाता है, जहाँ खाना वाना खाकर सभी बैठे होते हैं कि एक औरत ममता की सास से कहती है, क्या बात है बहन जी, मेरी आपकी बात हुई थी तो आप तो बोल रही थी कि लाल साड़ी पहनने वाली हैं, तो मैंने ये काली पहन ली। पता होता कि आप लाल नहीं पहन रही हैं तो मैं ही अपनी लाल पहन आती। अच्छा जी, तो इसलिए पूछा जा रहा था। अरे इतनी साड़ियां हैं कि क्या बताऊं, मैंने सोचा तो था पर ये सामने दिख गई तो यही पहन लिया। अच्छा, मेरी तो तैयारी काफी दिन से चल रही थी, फिर भी आज ऐसा लग रहा है कि ठीक से तैयार नहीं हुई मैं। तभी आ जाती है हमारी सच्ची बहू ममता बहू। आंटी जी, वो क्या है ना, पड़ोसन की लाल साड़ी माँ जी को पहननी थी, लेकिन आप तो जानती है माँ जी की आदत, सारा खाया पिया कपड़ों पर ही पोंछ देती है, तो उसने साड़ी देने से ना ऐन वक्त पर मना कर दिया, तो अब इन्होंने ना मेरी साड़ी पहनी है। औरत ममता की सास को घूरती है। अरे मांग कर ही साड़ी पहननी थी क्या, हम जैसे तो खुद की ही साड़ी पहनते हैं, चलो चलते हैं। सास का गुस्सा अब ममता पर फूट पड़ता है। अरे क्या जरूरत थी ये बात सबसे कहने की, अरे घर की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं तुझे? मैंने क्यों बोल दिया माँ जी, मुझे क्यों डांट रही है, मेरी गलती क्या है? ममता को रोता देख सुनील आ जाता है। अरे माँ क्या हो गया, पता है ना शादी का माहौल है। सास सारी बात बेटे को बता देती है। देख रहा है तेरी बहू का हाल, अरे इस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि कब कहाँ क्या कैसे बोलना है, अरे लेकर जाए इसे यहाँ से। सभी घर आ जाते हैं। सास का मुंह तो फूला ही रहता है कि एक दिन, चलो बेटा बहुत दिन तुम लोगों के साथ रह ली, अब चलो, वैसे भी ऐसी बहू के साथ समय कैसे कटे जो ना झूठ बोलती है ना लोगों की चुगले करती है। अरे गाँव में ही ठीक हूँ मैं, कम से कम चार घर की खबर तो मिलती रहती है, वो भी मसाला डालकर। कैसी बात कर रही है माँ, अभी तो आई है, रह जाना, कितना अच्छा लगता है तेरे रहने से घर। तभी ममता आ जाती है। अच्छा लगता है, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि न जाने कब तक रुकेगी, जाने का नाम ही नहीं ले रही, जाए तो कम से कम घर में थोड़ा सा फ्री सा तो फील करूं, यही बोल रहे थे कल माँ जी आपके लिए। सास बेटे को देखती है लेकिन क्या कहती बेचारी, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। चली जाती है चुपचाप गांव। फिर एक रोज घर की घंटी बजती है, सामने खड़ा होता है सुनील का बॉस। सुनील है क्या घर में? वो क्या ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ा ऑफिस का काम डिस्कस कर लूं। ममता कुछ कहती कि तभी वहाँ सुनील आ जाता है। अरे बॉस आप आइए आइए। क्या बात है, घर तो बहुत सुंदर है। वैसे भाभी जी आपकी खूब बातें सुनी है, क्या आप कभी झूठ नहीं बोलती? ये तो पता नहीं, लेकिन हमेशा सर कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती हूँ जिससे परेशानी हो जाती है, मैं ऐसा नहीं चाहती लेकिन क्या करूँ। खैर बॉस कुछ देर रुकता है, काम की बात होती है, ममता के साथ सब चाय पीते हैं, और जैसे ही बॉस जाने को मुड़ता है कि क्या जी कितने नेक इंसान है, फालतू ही आप खड़ूस और निकम्मा बोलते हैं इन बॉस को। अब क्या बॉस के कान तक खुद के लिए अनमोल वचन पड़ जाते हैं, और फिर ओह तो ये बात है, और क्या कहता है ये? अरे बॉस आप भी किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं, अरे इससे तो ये भी नहीं पता कि आलू प्याज कहाँ रखा है, अरे ये क्या जाने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मतलब जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है। भाभी जी आप बताइए। नहीं नहीं बॉस, लग रहा है कि कुछ गलत बोल गई मैं, वैसे ये सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आप में कोई टैलेंट है ही नहीं, आपकी नौकरी इन्हीं के कारण तो बची हुई है। अरे अब बॉस कर ले अम्मा, अब क्या करवा कर मानेगी, बड़ी मुश्किल से तो नौकरी बची थी मेरी। सही कहा, बची थी लेकिन अब निकल गई, तेरे टैलेंट के भरोसे चल रही है ना मेरी नौकरी, अब देख तू। अच्छा तो आप भी यही मानते हैं, वैसे ये बात तो है सुनील काफी टैलेंटेड है। बॉस चला जाता है, सुनील सिर पकड़कर बैठ जाता है। माना सच बोलना एक अच्छी आदत है,
लेकिन ममता आज का समय ऐसा नहीं है, तुझे थोड़ा सा समाज को देखकर खुद को बदलना होगा, समझी? जी मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, यकीन मानिए मैं जानबूझकर नहीं करती। सुनील सोच लेता है कि वो किसी न किसी तरह अपनी बीवी के इस भोलेपन का इलाज करके रहेगा, लेकिन सवाल ये कि कैसे। कैसे का जवाब अब मिल जाता है, और फिर एक रोज ममता की माँ आती है। ममता, तुझे तो पता है तेरे पापा का काम ठीक नहीं चल रहा है, कुछ पैसों की जरूरत थी, तेरे पास हो तो मदद कर दे बेटा। ममता माँ को घर खर्चे से बचाए पैसे दे देती है। पैसे देने की बात सुनील आ जाता है। अरे सासू माँ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं बेटा, वो ममता की याद आ रही थी ना, तो आ गई। वो क्या है ना, पता है पापा का